टीम इंडिया से बाहर होते ही इस खिलाड़ी का बड़ा फैसला, अब इंग्लैंड की टीम के लिए बिखरेगा जलवा। भारतीय टीम का एक उगता हुआ सितारा टीम से बाहर चल रहा है, इसी बीच उन्होंने अब इंग्लैंड में खेलने का बड़ा फैसला लिया है। भारतीय टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। इससे पहले टीम ने अपनी सरजमी पर ही न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें 3-0 से दोनों में जीत मिली थी। उससे पहले बांग्लादेश में भी टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उसे 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन इन 4 वनडे सीरीज में एक ऐसे खिलाड़ी को नहीं चुना गया जिसे उभरता हुआ सितारा बताया जा रहा था। वैसे T20 टीम का वह नियमित पार्ट थे, लेकिन इस साल वनडे वर्ल्ड कप होना है तो T20 मुकाबले टीम को कम खेलने हैं। ऐसे में अब इस धाकड़ खिलाड़ी ने इंग्लैंड की टीम के लिए खेलने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह चौंकने वाली बात नहीं है, वह इंग्लैंड की टीम के लिए तो खेलेंगे, पर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम नहीं बल्कि काउंटी टीम। हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने भारत के लिए 3 वनडे मुकाबले खेले हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पहले विकेट की तलाश है। यही कारण है कि उन्हें वनडे टीम से अब बाहर रखा गया है। इसी कारण हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी अर्शदीप को काउंटी खेलने की सलाह दी। द्रविड़ की सलाह पर बाएं हाथ के प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज अर्शदीप अब इंग्लैंड के आगामी काउंटी सीजन में केंट की टीम के लिए प्रथम श्रेणी के 5 मुकाबले खेलेंगे। केंट काउंटी टीम ने अपनी वेबसाइट पर यह घोषणा की। केंट द्वारा जारी रिलीज में कहा गया कि केंट क्रिकेट को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह जून और जुलाई के बीच काउंटी चैंपियनशिप के 5 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी उपलब्धि हालांकि जरूरी मंजूरी के अधीन होगी। वहीं काउंटी में खेलने का मौका मिलने पर अर्शदीप ने बताया कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में अपने को आगे ले जाने और निखारने के लिए काउंटी में खेलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड में रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उत्साहित हूं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने कौशल में सुधार करना जारी रखना चाहता हूं। मैं केंट के सदस्यों और समर्थकों के सामने प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं। राहुल द्रविड़ ने मुझे पहले ही बता दिया है कि इस क्लब का इतिहास शानदार है। अर्शदीप सिंह ने पिछले साल नवम्बर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उसी सीरीज में उन्होंने अपना आखिरी वनडे भी खेला था। 3 मैचों की 2 पारी में वह अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 26 टी इंटरनेशनल में 41 विकेट झटके हैं। वहीं फर्स्ट क्लास के 7 मैच में अर्शदीप सिंह के नाम 23.84 की औसत से 25 विकेट दर्ज हैं। वह केंट काउंटी टीम से जुड़ने वाले 4थे भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले कुंवर शमशेरा सिंह, राहुल द्रविड़ और नवदीप सैनी भी इस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।